नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को केतु महाराज अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 30 अक्टूबर 2023 की शाम 5:43 पर केतु वक्री चाल को चलते हुए राहु की तरह ही तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और आने वाले 18 माह तक यानी 2 मई 2025 तक ये कन्या राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो इसका प्रत्येक राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों, केतु देव आपके पराक्रम भाव पर प्रवेश करने वाले हैं और पराक्रम भाव पर केतु को अच्छा रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है। तो आने वाले 18 महीने में केतु अनुकूल रहेगा तो आपके जीवन में किन किन माध्यम में आपको सफलता मिलेगी, यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, राहु और केतु जो हैं वो एक ही शरीर के दो हिस्से होते हैं और ये जो दोनों ग्रह हैं इनकी कोई राशियां स्वतंत्र रूप से नहीं है। ये जिस भी राशि के ऊपर विराजित होते हैं उसी राशि के स्वामी के अनुसार अपना रिजल्ट देने लगते हैं। कर्क राशि के जातकों, केतु ग्रह को विशेष रूप से कर्म और धर्म दोनों पर आधिपत्य है और केतु ग्रह व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से उसके विचारों में आध्यात्मिकता भी पैदा करता है और यदि जन्म कुंडली पर भौतिकवादी ग्रहों के साथ जैसे शुक्र के साथ शुक्र की राशियों में मौजूद हो तो यह जीवन में भौतिक उन्नति भी काफी ज्यादा देता है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को पूर्व जन्म के कर्मों का आभास कराता है। इसका सिर नहीं है, इसका केवल धड़ है। सिर के निचला हिस्सा जो धड़ होता है वो बस है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जो केतु का प्रभाव क्षेत्र है वो धड़ के निचले हिस्से पर ही होता है। केतु की जो उत्पत्ति हुई है दर्शकों, समुद्र मंथन में हुई है। समुद्र मंथन की कहानी आपको पता भी है, जब अमृत निकलता है समुद्र मंथन के पश्चात तो देवताओं और दानवों में अमृत को पीने का द्वंद्व उत्पन्न होता है। उसमें स्वर भानु नाम का जो दैत्य है वो देवता का रूप बनाकर देवताओं की लाइन में बैठता है और अमृत का पान करता है। सूर्य चंद्र के द्वारा शिकायत की जाती है और अंत में भगवान विष्णु ने अपना चक्र लेकर स्वर भानु का सिर और धड़ अलग किया। तो जो धड़ है वो केतु है और जो सिर का हिस्सा वो राहु के नाम से विख्यात हुआ। केतु के द्वारा ही ज्योतिष शास्त्र में कुंडलियों पर काल सर्प दोष का निर्माण होता है, राहु केतु के द्वारा ही होता है। बलि केतु व्यक्ति के जीवन में साहस को देते हैं, संकल्प शक्ति देते हैं, व्यक्ति को भौतिक उन्नति देते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्रों में व्यक्ति को उन्नति देते हैं। वहीं पीड़ित को केतु व्यक्ति को किडनी में प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, पैर और कान के रोग देते हैं। ननिहाल नाना पक्ष का प्यार नहीं मिल पाता है और केतु यदि खराब हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई सडन अचानक बाधा बार बार जीवन में आती है। तो भाई हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए, कर्क राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए केतु का कैसा प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। देखिए, पूर्व समयावधि में पिछले 1.5 वर्ष से केतु आपके 4th हाउस यानी सुख भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव पर केतु को अच्छा रिजल्ट देने के लिए नहीं जाना जाता है। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को सुखों में बराबर कमी बनी रही, पारिवारिक परेशानी आपको बनी रही। केतु के बुरे प्रभाव से कर्म क्षेत्र को लेकर समस्याएं हुई, रोजगार छूटा, रोजगार बंद हुआ। दशम भाव पर राहु देव भी मौजूद थे, गुरु चांडाल योग बना था। उसके साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा में मान सम्मान को लेकर आपको कमी हुई। वहीं आपके चतुर्थ भाव पर केतु विराजित होकर अपनी जो नवम दृष्टि थी उससे आपके विदेश भाव को खराब किया, व्यय भाव को खराब किया। इसकी वजह से कर्क राशि के जातकों को चूंकि द्वादश भाव से शय्या सुख के बारे में भी विचार करते हैं
यहाँ पर अगर बुरा प्रभाव विच्छेदात्मक ग्रहों का पड़ा तो आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं हुई। अब आइए हम आपको बताते हैं कि केतु का यह परिवर्तन आपके जीवन में कैसा प्रभाव देने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों, ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखें। देखिए, आपके राशि के पराक्रम भाव पर केतु गोचर कर रहे हैं 30 अक्टूबर को, और इनका जो प्रभाव है आपको सितंबर के शुरुआत से ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो कर्क राशि के जातकों, राशि के तीसरे भाव से साहस, पराक्रम, मानसिक संतुलन, छोटे भाई बहनों के बारे में, धैर्य के बारे में विचार करते हैं। थर्ड हाउस पराक्रम भाव पर केतु प्रभावी होंगे, तो आपके जीवन में विशेष उपलब्धियां आपको देने वाले हैं। सबसे पहले मन में सकारात्मकता, मनोबल और उत्साह में वृद्धि कराने वाले हैं। इसकी वजह से कर्क राशि के जातक हर क्षेत्रों में इज्जत और प्रतिष्ठा भी अर्जित करेंगे और सफलता भी अर्जित करने वाले हैं। केतुदेव आपके राशि के पंचम दृष्टि से आपके राशि में पराक्रम भाव पर मौजूद होकर वैवाहिक भाव को देखेंगे। सप्तम दृष्टि से आपके राशि के भाग्य भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखने वाले हैं। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए विशेष खास समय रहने वाला है। शुभ समय की सौगातें आपके आर्थिक मामलों में रहेगी। यदि पूर्व समयावधि से धन को बचाने में आप समर्थ नहीं हो रहे थे तो यहां पर लाभ भाव पर केतु का प्रभाव पड़ेगा। इससे आपके जीवन में धन प्रदायक स्थितियां निर्मित होने वाली है। उसके साथ साथ केतु आपके नवम भाव से संबंध जोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और कर्क राशि वाले जातक धार्मिक क्षेत्रों में भी विशेष एक्टिव रहने वाले हैं। शिक्षा के मामले में समय बेहतर रहने वाला है। शिक्षण संस्थान में आप बेहतर प्रगति करने में समर्थ रहने वाले हैं। उसके साथ साथ भविष्य में यदि आप कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, दीर्घकालिक काम यदि आप कोई शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर रहने वाला है। तो इस प्रकार का प्रभाव केतुदेव आपके जीवन में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में डालने वाले हैं। अब अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को, चूंकि केतु का प्रभाव विशेष रूप से सिर के निचले हिस्से पर है, यहां पर कुत्ते को यदि आप रोजाना रोटी डालते हैं, इससे आपको नकारात्मकता से निजात मिलने वाली है। शिव के पार्थिव शिवलिंग पर यदि आप जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है, केतु बुरा रिजल्ट आपको दे रहे हैं, घर के बड़े बुजुर्ग अनुभवी व्यक्तियों के अनुभवों को लेना बेहतर रहेगा, उनके आशीर्वाद को लेना बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।